हाय फ्रेंड्स, टेक एमएस में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल टेक एमएस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब के लिए बेस्ट कैमरा रिकॉर्डर कौन सा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के अंदर। DSLR जो आप यूज़ करते हो तो उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन या मोबाइल के जरिए अगर यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हो तो आपको कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है और कैसे आप अपना यूज कर सकते हो, अपना रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब वीडियोज़ को कैसे शूट कर सकते हो उस एप्लीकेशन के जरिए, तो मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा लिख के आपको सर्च करना है। दोस्तों अभी मेरा नेट ऑफ है तो चलिए मैं यहाँ पर ऊपर स्लाइड करके इसे ऑन कर देता हूँ। फ्लाइट मोड से मैंने हटा दिया है। फ्लाइट मोड पर मैं मोबाइल को इसलिए डालता हूँ ताकि कोई भी कॉल बीच में ना आए, तो वीडियो डिस्टर्ब ना हो, वीडियो बंद ना हो। ठीक है, तो हम ओपन कैमरा जैसे ही यहाँ पर सर्च करते हैं तो आ जाता है ऑप्शन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक किया, देखिए हमारे पहले से इंस्टॉल है तो हमको सिर्फ यहाँ पर ओपन करना है। अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे ओपन कर सकते हो। देखिए व्हाट्सअप के मैसेजेज वगैरह आ गए, तो इसीलिए मैं ये नेट ऑन नहीं रखता हूँ, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। तो आप भी ऐसा कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, फिर हम अब इसको यहाँ से ओपन करते है और अब पहले से हम जाके इसको नेट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए ओपन करते हैं कैमरे को। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो शो कर रहे हैं आप कैमरे में, बैक कैमरे के अंदर दिख रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं एक बार इसे नीचे डालता हूँ। चलिए मैं अब अपने आइकन पे जाके इसको चलाता हूँ। ठीक है, हम अपने आइकन पे जाते हैं इसको चलाने के लिए वापस से, जहाँ पर हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। देखिए ओपन कैमरा, तो यहाँ से जब से हमने इसे ओपन किया है तो पीच बैक का कैमरा हमारा चालू है। तो ये आपको वीडियो दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार आ रहा है। ठीक है, तो हम मैं इसके कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है जो आपको बता देता हूँ। अगर आप बोया माइक का भी यूज़ करते हो अपने यूट्यूब वीडियो को शूट करने के लिए, तो आपको कैसे उसको एक्सटर्नल माइक को यहाँ पर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी वॉइस क्लियरिटी अच्छी हो। क्योंकि इस ये जो ओपन कैमरा है इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जो बड़े से बड़े यूट्यूबर से ओपन कैमरा का यूज़ करते हैं, अगर जिनके पास अगर DSLR ना हो या कोई दूसरा अगर स्मार्टफोन हो, तो वो स्मार्टफोन के अंदर तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ओपन कैमरा एप्लीकेशन का ही यूज़ करते हैं यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए इस तीन डॉट जो आपको दिख रहे हैं तो वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताने वाला हूँ जो ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ और जो सभी नॉर्मल जो यूट्यूबर्स होते हैं बड़े बड़े वो जो कुछ ऑप्शन फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली करना कुछ नहीं, आपको जो देखिए दो ऊपर ऑप्शन दिखा है फर्स्ट में, तो आपको यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन को तो बंद कर देना है। ठीक है, अगर आप दिन में वीडियो शूट करते हो तो लाइट वाले को ऑफ कर देना है, और अगर आप कहीं अंधेरे में हो तो आपको लाइट वाले को चालू कर देना है। ये तो सुविधा आपके हिसाब से आपको देख लेना है कि आपको लाइट चाहिए बैक कैमरे की या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में देखिए फर्स्ट यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हो गया है फोकस ऑटो, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोकस हो जाता है। जब आप कोई बंदा अगर वीडियो शूट करता है मोबाइल से, जब आप उसकी फेस आता है आपके सामने, तो यहाँ पर जो फेस होता है वो उसके ऊपर कैप्चर करता है ताकि आपका जो फेस हो सही से कैमरे के सामने आ सके। दूसरा आता है यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं फोकस इन्फिनिटी। फोकस इन्फिनिटी में ये होता है कि आपके जो पीछे का जितना भी बैकग्राउंड होता है वो अच्छी तरह से इसको कवर करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पर एक और मोड है, वो है फोकस मैक्रो। फोकस मैक्रो यानी कि जब आपका जो फेस होता है वो अगर इधर उधर हिलता है तो ये उसको कवर करता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इधर हिलाओगे तभी तो ये जो कैमरे का जो फोकस है वो सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा, अगर आप किधर भी हिलोगे तो भी। ठीक है, तो आपका जो फोकस है कैमरे का वो इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी हिलो वीडियो बनाते वक्त। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आप अनबॉक्सिंग वगैरह करते हो तो आपका जो शरीर है वो थोड़ा बहुत हिलता जरूर है, लेकिन जब आप इसको फोकस इन्फिनिटी करते हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो उसके बाद में आता है यहाँ पर फेस लॉक का। देखिए फोकस लॉक जब होता है तो फोकस लॉक के अंदर जो आपको जो फेस है ना वो फेस इसमें फर्स्ट से ही लॉक हो जाता है। ये ऑप्शन आपको अगर आपने क्लिक कर दिया है तो आपको फोकस इन्फिनिटी वाला यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको सब ऑटोमेटिकली इसमें फंक्शन आ जाते हैं। उसके बाद आता है फोकस वाला फिक्स्ड। फोकस फिक्स का मतलब ये है, अगर आपने जब कैमरा रिकॉर्ड शुरू किया है अगर आप फोकस करना भूल गए हो क्लिक करना, तो फिर भी ये ऑटोमेटिकली फोकस करेगा आपके चेहरे के ऊपर। तो ये सब आपके चेहरे के रिगार्डिंग है, आपके यूट्यूबर्स अगर आप, क्योंकि यूट्यूबर्स के रिगार्डिंग ही ये एप्लीकेशन यूज किया करते हैं बहुत से यूट्यूबर्स अपना वीडियो शूट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हमारे लिए दिया गया है, इसमें बहुत सारे फंक्शन जो ऑटोमेटिकली इसमें फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है सी वाला,
जो सी वाला है फोकस कंटिन्यू वीडियो, यानी जो वीडियो है वो अगर मोबाइल को अगर आप स्टेबल नहीं रख पाते हो किसी वजह से, तो अगर आपको जो फोकस है वो कंटिन्यू रहता है आप ही के ऊपर। तो ये सब जो सिंपल सिंपल फीचर्स इसमें लेकिन बहुत बड़े काम के हैं। फिर उसके बाद में आता है वीडियो रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन आपको पता है आपको कितना चाहिए, अगर आपका मोबाइल नॉर्मल है तो आपको सिर्फ 1280x720 पिक्सल का यूज़ करना चाहिए। अगर 4K आपका वीडियो सपोर्ट करता है आपका मोबाइल तो इसमें 4K की भी व्यवस्था है, तो आप इसे 4K भी यूज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिर्फ 720 पिक्सल का यूज करता हूँ क्योंकि इसमें वीडियो अच्छा आ जाता है और जो YouTube को रिकमेंड होती है वो 720 पिक्सल से ज़्यादा की तो होती नहीं है। ठीक है, या वो काफ़ी होता है, बाकी तो आप चाहो जितनी बना सकते हो, लेकिन जो मिनिमम होता है YouTube के रिजोल्यूशन का वो 720 पिक्सल है, तो उसमें अच्छी क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में होता है स्पीड वगैरह, अगर स्पीड आप बढ़ाना चाहते हो तो वो कलर वगैरह ये सब तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम अगर हम सेटिंग में जाते हैं, अब आपको बता दूँ एक्सटर्नल माइक अब कैसे यूज करना है इसके अंदर। एक्सटर्नल माइक जब हमको यूज करना है तो हमको यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। यहाँ पर देखिए दो सेटिंग दिख रही है हमको, पहला फोटो और दूसरा वीडियो। तो वीडियो हम वीडियो के रिगार्डिंग हमारा वीडियो, तो हम वीडियो के अंदर जाएंगे वीडियो सेटिंग में। हम जाके फिर हमको देखिए रेजोल्यूशन वगैरह भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, बाहर से भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग कट में जाना है लॉन्ग, तो आप अंदर आके भी कर सकते हो आराम से। यहाँ से 4K अल्ट्रा HD कर सकते हो, हाईएस्ट कर सकते हो। आप देखिए 4K हाईएस्ट हो जाएगा इसमें, तो अल्ट्रा HD 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हो अगर आपका स्मार्टफोन अगर 4K सपोर्टेड है तो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में जो एक्सटर्नल माइक का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो वो देखिए वो मेरे ऑन कर रखा है, मैंने रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड विद एक्सटर्नल माइक का वो सब रिकॉर्ड यहाँ पर, तो मैं इसे ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर डिसेबल कर दूंगा। तो जो वो इंटरनल माइक हम लगाते हैं यूज़ करते हैं, चाहे वो बोया हो चाहे कोई सा भी हो, जब हम प्लग करते हैं तो वो उसकी रिकॉर्डिंग को कैप्चर नहीं करेगा, तो हम इसे यहाँ पर डिसेबल करेंगे, तो इसे हमें यहाँ से इनेबल रखना पड़ेगा। तो हम जिस एक्सटर्नल माइक से यूज़ करेंगे तो यहाँ से वो रिकॉर्ड ऑडियो करेगा। ठीक है, फिर जो ऑडियो सोर्स का जो आपको दिख रहा होगा, तो आपको नॉर्मल सी बात है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही बोल रहा हूँ एक्सटर्नल माइक, तो यहाँ से हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा ऑडियो है वो एक्सटर्नल माइक के जरिए शूट होगा, वरना नहीं होगा। जो एक्सटर्नल माइक हम यहाँ से एनेबल करेंगे तभी हमारा जो यू प्लग करते हैं हम एक्सटर्नल माइक को, चाहे वो बोया का हो चाहे किसी का भी, तो उसके जरिए हमारी वॉइस को क्लियर करेगा। क्योंकि अगर बोया का माइक आप यूज कर रहे हो, अगर इस ऑप्शन को आप क्लिक नहीं करते हो, तो आपकी वॉइस क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी, और जो नॉर्मल स्पीकर में आवाज़ आती है नॉर्मल माइक में वैसी आपकी आवाज़ आएगी। ठीक है, इसलिए अगर बोया का माइक आप यूज़ करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन जल्दी से जल्दी डन करना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपको चुनना चाहिए ताकि आपकी वॉइस क्लियरिटी अच्छी से अच्छी आ सके। ठीक है, तो ये था फाइनल मेरा इस वीडियो का जो मकसद था आपको बताने का, वो सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।